मेथड्स, फर्स्ट वन मेनोमेट्री एंड सेकेंड इज टोनोमेट्री ओके? तो फ्रेंड्स ये टू मेथड्स से हमारा मेजर किया जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आज हम बात करेंगे, के उपर, IOP, okay? तो, friends, ये जो टोनोमेट्री है ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है जिसके माध्यम से हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर मेजर किया जाता है okay? तो, friends, अब चलिए

ओके okay? तो फ्रेंड्स जैसे कि आज हम अपला टोनोमेट्री के ऊपर बात करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारा सबसे कॉमन अप्लानेशन टोनोमेट्री है जिससे कि हम कहते हैं गोल्डमैन टोनोमीटर ओके okay? तो फ्रेंड्स ये गोल्डमैन टोनोमीटर बहुत ही कॉमन होता है आजकल आपको हॉस्पिटल क्लिनिक्स पे आपको आराम से ये देखने को मिल जाता है आप भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे ओके okay? तो फ्रेंड्स द गोल्डमैन टोनोमीटर इज बेस्ड ऑन इंबर्ट फिकलो ओके तो फ्रेंड्स ये इंबर्ट फिकलो क्या कहता है इट स्टेट्स दैट द प्रेशर इनसाइड एन आइडियल स्फीयर पी इज इक्वल टू फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू फ्लैटन ए ओके सो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है ना अगर एक स्फीयर है जिसके अंदर कुछ प्रेशर है पी ओके okay? तो फ्रेंड्स अगर उस स्फीयर को हम फ्लैट करते हैं बेंड करते हैं बाहर से कुछ फोर्स एफ अप्लाई करके ओके okay? तो फ्रेंड्स जो प्रेशर उसी स्फीयर के अंदर है वो किसके साथ समान होगा ना जो फोर्स हम अप्लाई करके उस स्फीयर को बेंड कर रहे हैं फ्लैट कर रहे हैं दैट इज पी इज इक्वल टू

टेक्निक ओके okay? तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर का मेजर किया जाता है ओके okay? तो फ्रेंड्स देखिए फास्ट टॉपिकल एनेस्थीसिया ओके okay? तो फ्रेंड्स आईओपी लेने से पहले याद रखना कि आपको फास्ट टॉपिकल एनेस्थेसिया उनके आइज में डालना है क्योंकि ये जो कॉर्निया है ये हमारा आइज का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है हमारा बॉडी का भी बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है ओके तो फ्रेंड्स अगर आप आइज में एनेस्थेसिया नहीं डालेंगे तो जो पेशेंट होगा वो आईओपी लेने में आपको आंख अच्छे तरीके से नहीं दिखाएगा ओके तो फ्रेंड्स फास्ट जो है वो है आपको आंख में टॉपिकल एनेस्थेसिया डालना है ओके उसके बाद रूम इल्यूमिनेशन इज रिड्यूस्ड ओके बाद जो रूम का इल्यूमिनेशन होगा लाइट होगा उसको कम कर देना है फ्लोरोटॉच okay? okay? तो एक होता है, होता है जो स्ट्रीप होता है उसमें आपको फ्लोरोसिन डालना है एंड जो पेशेंट होंगे उनके आंख में आपको लेके उसे स्टेन कर देना है ओके okay? तो फ्रेंड्स स्टेनिंग ट्योर फ्लिम विथ फ्लोरोसिन ओके उसके बाद द कॉर्निया एंड बाय प्रिज्म आर इल्यूमिनेटेड विथ कोबाल्ट ब्लू लाइट ओके तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे जो स्लिट स्लिटलम होता है उसमें बहुत प्रकार का बहुत सारे इल्यूमिनेशन होता है ओके तो फ्रेंड्स आपको जब आप आईओपी ले रहे हैं तो आपको कोबाल्ट ब्लू लाइट एक ब्लू कलर का इल्यूमिनेशन होता है उसमें सेट कर देना है ओके okay? उसके बाद हाई इल्यूमिनेशन एंड लो मैग्निफिकेशन जो कोबाल्ट ब्लू लाइट होगा उसको आपको हाई इल्यूमिनेशन में रखना है एंड जो आपका मैग्निफिकेशन होगा स्लिट स्लिटल का उसको बहुत ही कम लो पे रखना है क्लियर अब नेक्स्ट बाय प्रिज्म इज एडवांस्ड ऑनटिल इट जस्ट टचेस द एपेक्स ऑफ कॉर्निया तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है जो स्लिट लैंप होता है ना उसको मूवमेंट करने के लिए एक होता है जॉयस्टिक ओके okay? तो फ्रेंड्स उस जॉयस्टिक से आपको जो स्लिट लैंप होता है उसको आपको फॉरवर्ड मूव करना है बहुत ही केयरफुली बहुत ही धीरे से लेना है ठीक है कब तक लेना है ना जब तक ये जो ऑफ कॉर्निया को वो जो बायो प्रिजम होता है वो टॉस ना कर ले ओके उसके बाद आपको क्या करना है ना एट दिस पॉइंट टू सेमी सर्कल्स आर व्यूड

थ्रू ना जो राइट right साइड के आपके होते हैं ना जिससे आप आईओपी मेजर करते हैं उसके थ्रू आपको एडजस्ट करना है कब तक तो आपको एडजस्ट करना है ना जब तक वो जो दो सेमी सर्कल्स मायर्स होंगे उनका इनर एज अपने आप से कोइंसाइड अपने आप को टच ना कर ले ओके तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ये हो गया तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हो गया अपर का जो सेमी सर्कल्स ठीक है उसके बाद इस तरीके से आपको एक नीचे भी देखने को मिलेगा मायर्स तो फ्रेंड्स ये जो दोनों मायर्स होंगे उनको आपको जो इनका जो इनर साइड है तो फ्रेंड्स इसका इनर साइड है ये तो फ्रेंड्स इस तरीके से और एक मायर्स यहां पर ऐसे होगा ओके तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से आपको जो इनर एज है देखिए इसका इनर ये है एंड इसका इनर ये है इस तरीके से आपको इन दोनों को क्वेंट करना है ये जो दोनों मायर्स होंगे उनको ये जो इनर साइड को आपको टॉच करवाना है ओके तो फ्रेंड्स और एक बार देख लीजिए अपलेशन फोर्स अगेंस्ट कॉर्निया इज एडजस्टेड ऑन टिल इनर एज ऑफ टू सेमी सर्कल्स टॉच ये जो दो सेमी सर्कल्स हैं उनका जब तक इनर एज अपने आप से टॉच ना कर लेते हैं तब तक आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है ओके तो फ्रेंड्स अब देखिए नेक्स्ट इंट्राकुलर प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग डायल रीडिंग विथ टेन तो फ्रेंड्स जब आपका ये जो दो मायर्स हैं अपने आप से कोइंसाइड हो जाएंगे इस तरीके से उसके बाद जो आपका राइट साइड में जो रीडिंग लेते हैं ना उसमें जितना रीडिंग आया होगा उससे आपको टेन मल्टीप्लाई कर देना है ओके जो वेल्यू आएगा वो होगा आपका पेशेंट का आईओपी यानी इंट्राकुलर प्रेशर तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे जो नॉर्मल आईओपी है वो है दस से बीस के बीच में अगर उससे ज्यादा आता है तो प्रेशर ज्यादा है अगर उससे कम होता है तो प्रेशर कम है ओके तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये प्रोसेस से आपको आईओपी मेजर करना है तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आज जितना सारा चीज आज मैं टोनोमेट्री के ऊपर आपको बताया आपको समझ में आया होगा एंड आप सेशन को एंजॉय किए होंगे अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए कुछ डाउट है तो कॉमेंट्स कीजिए हाँ अगर आप इस तरीके से और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके एंड आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय टेक ने नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच